सुधीर कमीशन में कई चीजें बताई सुधीर कमीशन रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट आके भी गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करके भी डेढ़ साल गुजर गया, डेढ़ साल हो गया, लेकिन इसके अमल के लिए पाबंदी हमारे केसीआर साहब के पास टाइम भी नहीं है। ऐसे चीजें हैं, सुधीर कमीशन रिपोर्ट ये पहला नंबर था मुसलमानों की हकीकत बताने की कमेटी। उससे पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है, उसमें भी मुसलमानों की कई बदतर हालत है। उससे पहले उसके बाद सचार कमेटी रिपोर्ट भी आई, उसमें भी यही हालत है। यकीनन आज सुधीर कमीशन रिपोर्ट में भी वही हालत है। थोड़े चीजा पूरे 300 पेजा है, आपको ऑनलाइन में भी मिलता, उर्दू में है, तेलुगु में है, इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं थोड़े चीजा बता। 85% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी है, बहुत गरीबी हालत में है। 85% मुस्लिम जो पैदा हुई सब मुस्लिम बच्चा, 15% बच्चे स्कूल को भी नहीं जाते, स्कूल के साथ साथ मदरसा को भी नहीं जाता जो पैदा है बच्चा। 43% मुसलमान किराया घरों में जी रहे, किराया घरों में जी रहे, जाति घर नहीं है मुसलमानों। मुसलमानों को बैंक के लोन देना, लोन देने में कुछ पार्शियलिटी है, बैंक का मुसलमानों को लोन देने मना कर दी, क्योंकि उसके पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए 5,000 की 10,000 की जो पंडलों की बंडी है, पान की डब्बा है, पंचर शॉप है, ऐसे छोटे छोटे कारोबार में मुसलमान जिंदगी गुजार। आज मुस्लिम औरतों में एनीमिया, ये सुधीर कमीशन रिपोर्ट में बताया, एनीमिया बोल के एक बीमारी मुस्लिम औरतों में ज्यादा है। ये क्यों, कैसी आती है बीमारी? खून की कमी की वजह से ये बीमारी आती, इसको एनीमिया बोलते डॉक्टर। इसके वजह से क्या होता, ये कई को आता, ये बीमारी कई को आती, जो क्वालिटी फूड, सही फूड नहीं लेते, जो लेने का फूड जो प्रोटीन्स रहते वो प्रोटीन्स नहीं लिए तो खून की कमी बीमारी होती। इससे क्या होता, जो डिलीवरी के टाइम पे हम तो कुछ भी एक्सीडेंट हो तो कुछ भी एक सिचुएशन आ जाए तो खून की कमी के वजह से जान भी चले आती। मुस्लिम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बता लेने वाला आज लाइनों में खड़े के घंटे घंटे लाइनों में खड़े के गवर्नमेंट दवाखानों में इलाज करने वाला मुसलमान है। मुसलमान ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इलाज कर रहे, क्योंकि उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं। ये सुधीर कमीशन रिपोर्ट में बताया गया जस्ट 4% 3-4% मुसलमान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में। आज तेलंगाना रियासत में पूरे 5,00,000 से लेके 5,00,000 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अटेंडेंट से लेके बड़े आईएएस तक। इसमें खाली 30,000 मुसलमान है। ये 30,000 में ज्यादा ज्यादा अटेंडर, स्वीपर, ऑटो कार ड्राइवर, ये लेवल पे मुसलमान है। इसलिए तेलंगाना आने के बाद एक नया जोश आएगा मुसलमानों में, एक नया डेवलपमेंट आएगा, बल्कि हम जैसे तेलंगाना मूवमेंट में काम करें हमारे की एक उम्मीद थी, लेकिन ये 4 साल हमारे खाबा रहे। इसलिए एक और एक सोच एक 2-3 महीनों के पहले हम शुरू करें, तेलंगाना आने के बाद स्टडी करें। तेलंगाना नहीं आए से पहले बहुत जने तेलंगाना के लिए मुसलमान लीडर्स बात करें, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी बात करें, जो भी तेलंगाना के लिए। मैं एक बात और आपको भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, तेलंगाना के लिए जो जिद्दोजहद चल रहा था, आमरा वाले दिल्ली में जाके लॉबिंग कर रहे थे तेलंगाना के लिए, मुसलमान खिलाफ है, तेलंगाना नहीं देना बोल के वहां पे दिल्ली में सोनिया गांधी को आंध्रा वाले बोल रहे थे, ये गलत साबित कर रहे थे मुसलमान तेलंगाना के साथ नहीं है। जब वो दौर में जो निजाम कॉलेज में जमात है इस्लाम और थोड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पूरा मिला के जो निजाम कॉलेज ग्राउंड में जो जलसा हुआ तेलंगाना के लिए, वो जलसे में 1,00,000 पब्लिक, एक मुसलमान एक सोशल कास्ट के ऊपर, एक सोशल इशू के ऊपर मुसलमान 1,00,000 पब्लिक जमा होना, वो हिस्ट्री में बहुत अहम चीज है। वो अपनी मीटिंग को देख के सोनिया गांधी नए नए तेलंगाना के लिए मुसलमानों भी रेडी है, मैं तेलंगाना मुसलमानों भी आज तेलंगाना के लिए मुसलमानों भी 1,00,000 पब्लिक रोड पे आई, बोले तो ये इंसाफ की बात है, तेलंगाना मैं देने का है, बल्कि तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी डिसीजन लिए। हम अगर उस दिन हम निजाम कॉलेज में मीटिंग नहीं करते, 1,00,000 पब्लिक अपन नहीं जुड़ते तेलंगाना, मैं आपको बोल रहा हूँ तेलंगाना कभी भी नहीं आता था तेलंगाना। उसके बाद हम तेलंगाना के बाद बहुत उम्मीद हमारे ख्वाबों में रह गए। आज कुछ भी अपन आवाज करें, अरे कौन सी गवर्नमेंट दी है मुसलमानों को इतने कारपोरेशन, देना है, हमारा भी हिस्सा है, हम कुछ कम नहीं है तेलंगाना में।
50 लाख के ऊपर जो कम्युनिटी है तेलंगाना में वो दलित के बाद मुसलमान है तेलंगाना। अपने 2200 रहेंगे इंशाल्लाह, पूरा 4 करोड़ तेलंगाना में पब्लिक रहे तो 50 लाख वो भी 2011 सेंसस के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसमें भी ना इंसाफ होती मुसलमान करे तो ना भाई करेक्ट फिगर आएगा। अब दूसरा करा का करेक्ट फिगर कैसा था चांद हो तुम करे जो फिगर नहीं बोल रहा हूँ, 50 लाख से ज्यादा मुसलमान आए, ये पूरी देखी तो 15% से मुसलमान ज्यादा है। ये 15% मुसलमान को छोड़ के तुम कब नंबर 1 तेलंगाना बन सकते? हमारा हिस्सा जो तेलंगाना में नहीं है, हमारा डेवलपमेंट नहीं है, हम अभी भी रोड पे पंडले की बंडी रखने के पंडले बेच लेते, हम अभी भी टैंक की चाप पंचर की दुकान चलते, हम अभी भी पान के डब्बे पे रहते, चाय की होटल चलाते, टिफिन सेंटर चलाते, हर गरीबी काम पूरे हम करते, फिर तुम बंगाली तेलंगाना कैसा बनता भाई? कैसा बनता? 15% मुसलमानों को छोड़ के कर, हमारा डेवलपमेंट छोड़ के हमारे ये तेलंगाना में आगे नहीं लाए तो बंगाली तेलंगाना इंशाल्लाह कभी भी बंगाली तेलंगाना नहीं होगा, नंबर 1 तेलंगाना भी नहीं होगा। हमको मिला लेगी अब यकीन, हम थोड़े गवर्नमेंट के भी, मैं पहले भी बोला अभी बोलो, हम जो भी तुम अच्छा करे तो अच्छा काम बोलते, हम शादी मुबारक के पैसे बढ़ाए अच्छा काम है, कारपोरेशनों को हमारे वालों को चेयरमैन दिए अच्छा। मैं एक बात याद दिला रहा हूँ, रमजान को कपड़े बांटे, इतने मुसलमानों में एक लीडरशिप की कमी बहुत कम है। आज हमारे सामने अजीत पाशा साहब है, एक मुसलमान एक इतना बड़ा लीडर, कौन से भी पार्टी में रहते हो हम उनका रेस्पेक्ट करना है, उन्हों भी ये लेवल पे आना है, कौन सी भी पार्टी हो कितना स्ट्रगल करके वो लेवल पे आए हमारे मालूम। हम एक छोटा प्रोग्राम करें तो आपको, आप एक बात बोल रहा हूँ, थोड़े लोग मेरे रूम तक भी आए, मेरे रूम के पास पुलिस वाले ठहर के थे आज यूनिवर्सिटी के रूम, 2-3 दिन से पुलिस वाले ऑब्जर्व कर रहे ये रूम को कौन आ रहा कौन जा रहा। आज भी ये मीटिंग करने कितने प्रॉब्लम से, मुसलमानों को कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं रहता, उसके साथ साथ सपोर्ट करने वाला भी नहीं रहता। अपन को एक अलग अंदाज से, दूसरे अंदाज से पब्लिक देख रही और हुकूमत चलाने वाले भी हम लोगों को वैसे देख रहे, कितने मुश्किलों से ये 100 रुपया को 50 रुपया को जुड़ाने में हम एक 1 वीक 10 डेज से कितना मेहनत करें, ये फॉर्म प्लेट निकालने में कितना मेहनत करें। आज थोड़े लोगों को भी, वो भी डिस्ट्रिक्ट वालों से सुबह में निकल के आते, उन लोगों को खाना इंतजाम करने में कितनी तकलीफ हमारे को मालूम है। इसलिए ऐसे लीडरों को हम रेस्पेक्ट करना है, अपन को कोई भी आगे बढ़ने नहीं देता, अपने में फिर के अरे उन करे तो वो फिर का ये फिर का बोल के अपने में डिबेट करते और दूसरे वाले भी उन ऐसा इन ऐसा उन परसों तक ऐसा करा अब ऐसा करा वो ये बोल के अपने को नाराज करके अपने अपने में यूनिटी नहीं आया ऐसा तोड़ने के लिए बहुत जने, वो अपने कम्युनिटी वाला करता बाहर वाला भी करता। रही ये बात दर्द की, ये बात बाहर कम्युनिटी वाला कभी भी अपने नफरत करता, लेकिन अपने कम्युनिटी वाला अपने अंदर वाला भी अपने को ऐसे ऐसे बदलाव करके छोड़ दे रहा। याद रख लो भाई, आज तेलंगाना में अपकमिंग लीडरशिप है नहीं, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बोले, जो भी कौम में जो भी कम्युनिटी में अपकमिंग लीडरशिप नहीं रहेगी वो कौम कभी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इत्तेहाद पैदा करना है, सियासत अवेयरनेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपन भी इस देश में जी रहे, अपन भी टैक्स बन रहे, अपन टैक्स बन के सो पैसों से गवर्नमेंट चल रहा, अपने पैसों से गवर्नमेंट चले स्टेप पे, अपन सियासत में हिस्सा कैसा ना होते, अरे मैं नक्को के मैं सियासत से लेना, ये मुसलमानों में एक फैशन है नौजवान बच्चों में, मेरे को सियासत बोले तो पसंद नहीं भाई, ये क्या सियासत, जो भाई तुम्हारा पसंद नहीं है बोल के उसको लाइट ले लिए तो ये देश में रहना बोले तो सियासी करना था, इस देश में रहना बोले तो सियासी अवेयरनेस रहना, जो गलत काम कर रहा तुम अच्छा करके बताओ, तुम अच्छे लीडर बन के बताओ, ये अपने फॉर्म में बहुत कम है। इसलिए अपने बच्चों को सियासी अवेयरनेस होना, इस देश में अपन भी एक हिस्सा है, सबके बराबर अपन भी एक हिस्सा है। आपको एक बात बोलते हुए मैं रुख्सत लेके दूसरों को स्पीकर्स भी आए उनको हॉनर करना है, जो नॉर्थ स्टेटों में मुसलमानों के लिए हो रहा, तेलंगाना में थोड़े प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़े कम्युनिस्ट पार्टियां है, दलित ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़े इधर प्रोग्रेसिव सेक्शन ज्यादा है, थोड़ा खतरा कम है, आज तक कम है समझेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्थ स्टेट में हो रहा, बीफ खाए तो बीफ ला लिए तो
बीफ के नाम पे खत्म कर रहे, लव जिहाद बल्कि 50 साल आदमी को लव जिहाद बल्कि खत्म करता, 50 साल आदमी लव जिहाद कैसा कर सकता, याद रख लो। और उसकी माँ है, उसकी बहन है, दोनों बहना है, एक बीवी है, सुबह से लेकर शाम तक डेली लेबर काम करता, उसको लव जिहाद के नाम पे खत्म करे। एक मुस्लिम बच्चा दूसरे एबीवी बच्चे को गाड़ी पे बाइक ओवरटेक कर रहा बोल के उसको मार के इंजूर करे, ये हमारा उम्मीद है। कई नॉर्थ स्टेटों के जैसा हमारे स्टेट में ऐसे नहीं होना, इसलिए इसको बचा लेना है। इसलिए हमारी ये कोशिश है, ये कोशिश है 2-3 महीनों से ये कोशिश चली। इसके पहले 2-3 प्रिपरेशन मीटिंग उस्मानी यूनिवर्सिटी में कर लिए, आज पहला फॉर्मेशन मीटिंग है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट को भी आने वाले हैं, 100 आदमियां, 50 आदमियां, 10 आदमियां हुए तो भी हम लोग हमारा जो व्यूज है हम पब्लिक के साथ आके बताना चाह रहे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सबके जैसा मुसलमान लाखा लाखा एक जरा ज्यादा नहीं हो सकते। हमारे मालूम है हमारे तो कम्युनिटी में थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हम थोड़े नाम पे लाखों के जुड़े होते, लेकिन सियासत के नाम पे 12% की रिजर्वेशन के नाम पे हम नहीं हो सकते। मालूम है जो भी यहाँ ऐसे लोग भी पढ़े लिखे ये लोग जाके एक सवाल में हमको समझा सकते हैं, इसलिए हम पढ़े लिखे बच्चों को पढ़े लिखे लोगों को हम हमारे दावत दे, हमारे को भी लाखा लाखा करके हम भी लीडर बनना, नहीं हमारे को ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस को पब्लिक तक लेके जाने के इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं तो आइंदा वो सुधीर कमीशन में बताए पूरे कम्युनिटियां 40 साल एडवांस डेवलपमेंट चले गए, पूरे कम्युनिटियां एससी एसटी बीसी और दूसरे लोग 40 साल पहले चले गए, 40 साल से मुसलमान पीछे आ सामने नहीं जा रहा, मुसलमान पीछे आ रहा डेवलपमेंट में। इसलिए आपको समझाने की एक कोशिश चल रही, आज वो सुधीर कमीशन रिपोर्ट में बताया गया था 12 जो सॉल्यूशंस है उसमें एक मुस्लिम सप्लान है, इसमें भी लिख के आज तेलंगाना का बजट 1,50,000 crores है, फिर आप 1,000 रुपए 1,000 करोड़ मुसलमानों के लिए बजट रखें, 1,50,000 करोड़ में हमारे सिर्फ 1,000 करोड़ रखते, हमारा परसेंटेज 15% है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखे तो भी जिसका जितना आबादी है उतना बजट में हिस्सा मांगने का एक राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत नहीं है, ये एक राइट है। फिर वैसा देखा जाए तो 15% में हमारा कितना रहना, 1,50,000 करोड़ में 15% का हिसाब देख लो आप, 15,000 करोड़ तो भी रहना, सिर्फ 1,000 रखे, वो 1,000 में भी पैसे नहीं है। आज कमीशन डाले माइनॉरिटी कमीशन, हम उसका सपोर्ट कर रहे लेकिन कमीशन में काम करने स्टाफ नहीं है, उर्दू अकादमी है खाली डायरेक्टर है शुक्र साहब मगर वहां स्टाफ नहीं है, हज हाउस है हज हाउस में आज भी स्टाफ नहीं है। यो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 बता रहा जो भी रिलीजियन जो रहते वक्फ बोर्ड हों तो हज हाउस हों तो उसमें जो बिलीव रिलीजियन बिलीव करते वो लोगों कुछ रखना, हमारे हज हाउस में हिंदू काम कर सकते, हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू को अपॉइंट करे वो फिर तुम्हारे टीटीडी में को तो मुसलमान के कुछ जाती है, ये भी वो भी इक्वल है, जो रिलीजियन के नाम पे चलते वो रिलीजियन में वो रिलीजियन बिलीव करने वाला एम्प्लॉय रहना, हमारे हज हाउस में हिंदू है हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू है तुम्हारे टीटी में एक मुसलमान भी नहीं, याद रख लो हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा। वो किसी एक बच्चे को जॉब आता ना भाई वो कितने की पोस्ट खाली है, आज डीएससी नोटिफिकेशन आया 2000 टीचर पोस्ट खाली है, 2000 टीचर उर्दू के टीचर उसमें 600 पूरे जाने तो हमारे मुस्लिम बच्चों को नौकरी आती ना, रिजर्वेशन छोड़ दो आप रिजर्वेशन 12% देते नहीं वो होता नहीं, हमारे ऐसे चावल तो भी फिलअप करो नहीं करते, स्टाफ भी ये काम करने वाले। परसों रमजान में भी बहुत सारे कपड़े बच गए क्योंकि स्टाफ नहीं है, वो सप्लाई करने वो पब्लिक तक गरीबों तक ले जाने स्टाफ नहीं है। परसों क्रिश्चियनों का भी कपड़े दिए ना उनके भी कपड़े बच गए हज हाउस में, टीवियों में आया पेपरों में आया हज हाउस में बिंडल बिंडे 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 साड़ियां कपड़े बांटने वाला नहीं है, स्टाफ रहे तो ना भाई डायरेक्टर को बना तो काम नहीं चलता, चपरासी का काम चपरासी करता, चेयरमैन का काम चेयरमैन करता, दो भी काम चेयरमैन नहीं कर ले सकता ना,
वह स्टाफ नहीं है इसलिए वो कपड़े वैसे बच गए। आपको मालूम कि नहीं कि बहुत सारे बच्चे से कपड़े परसों रमजान क्रिश्चियनों को दिए बदकमा साड़ियां, रमजान में बच्चे से बदकमा में बच्चे से साड़ियां क्रिश्चियनों को दिए। इतने मुस्लिम कम्युनिटी में इतना नाराजगी है, इतना मुस्लिम वाले रोड पे नहीं आ सकते, ये हक मांगने के लिए कोई भी रोड में आने तैयार नहीं। कोशिश करने वाले थोड़े जने कर रहे, बाद में सपोर्ट नहीं मिलके फिर अंदर चले आए। एक दिन परसों की बात बोल रहा हूँ, बदकमा चीरा बदकमा बोल के साड़ी दिए, साड़ी अच्छी नहीं है बोल के 100 रुपए की साड़ी दे दे बोल के दिए, सो एक घंटे में जाके रोड पे आके दूसरे कम्युनिटी वाले रोड पे आके साड़ियां जला दिए। वो जो अपने मुसलमाना वो इस क्वालिटी की साड़ी है, वो 100 रुपए की साड़ी है, वो 150 रुपए की साड़ी है, 3 साल से ले रहे मुसलमान, 3 साल से खामोश ले रहे, कोई भी साड़ी अच्छी नहीं है उसके लिए। ये अपने कम्युनिटी में इसलिए अपन अवेयरनेस होना है, अपना हिस्से मांगने के लिए अवेयरनेस होना है। यकीनन हम गवर्नमेंट के कुछ मुसलमानों के लिए अच्छे काम करते हैं, उसको हम कहीं भी इस्तेमाल करते, लेकिन जो मुसलमानों सारे मुसलमानों के लिए जो डेवलपमेंट की बात, हम एक दोनों तीनों पोस्टों के लिए बात नहीं कर रहे, 50 लाख मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। 50 लाख मुसलमानों की जिंदगी सुधारने के लिए और नए नए पॉलिसीज के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी एक कोशिश है, ये कोशिश आपकी मदद से इंशाल्लाह आपकी मदद रहे तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसे जोश में अपने आर नेशन आते, जलसे 2-3 जलसे होते फिर पीछे हट जाते। क्यों पीछे हट जाते बोले तो जो जिसके लिए काम कर रहा उसको उस तक पैगाम नहीं पहुंचे तो उन सपोर्ट नहीं करे तो किसके लिए करते। इसलिए पढ़े लिखे बच्चे तो भी थोड़ा, आज नौजवान बच्चे तो भी सोचने की जरूरत है। तेलंगाना में अपन तेलंगाना में बड़ा हिस्सा है, सौ को तो भी SC ST BC बोल के उसमें भी थोड़े माला मादिगा वो ये बोल के उनके कैस्ट रहते हैं, अपने को वो भी नहीं, पूरा 15% एक है हम मुसलमान पूरे 50 लाख एक है, लेकिन सबसे हम पीछे है, हमारे हक मांगने में हम ही सबसे पीछे है। इसलिए हमारी एक कोशिश है, एक सप्लान बनाना है और उसके साथ साथ जो सुधीर कमीशन में बोले 9-12% रिजर्वेशन वो भी इंप्लीमेंट करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी एक कमिटी है, वो भी सुधीर कमीशन बोली, जो ना इंसाफ होता ऑफिसों को, गवर्नमेंट ऑफिसों को हम फिरते सर्टिफिकेटों के बाद मुसलमान को देखते, वो ऑफिसर भी वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो खालस नहीं है, ये नहीं है बोल के मुसलमान को फिरा फिरा के थक देता। बैंक वाला मुसलमान को देखते तेरे पास क्या सुरिटी है, ते कैसा लोन देना बोल के नाराज करता। और एम्प्लॉयमेंट कुछ इंटरव्यू होता, वो गवर्नमेंट हों दो प्राइवेट हों दो, सिर्फ मुस्लिम के नाम पे उसको पार्शियलिटी बताते, मार्क्स भी कितने भी आंदो, एग्जाम में कितने भी मार्क्स आंदो, इंटरव्यू में उसको हटा देते। ऐसे पार्शियलिटीयां खत्म करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन एक बनाना बोल के सुधीर कमीशन में है। और अपने SC ST BC माइनॉरिटी SC ST भाइयों को जो स्कॉलरशिप आ रहा उसके बराबर मुसलमान बच्चों को भी स्कॉलरशिप देना जरूरी है। ये स्कॉलरशिप नहीं हो के मुस्लिम बच्चे पढ़ाई से दूर हो जा रहे, उसके बाद उन गुटखा डालना ऑटो चलाना शुरू कर देता। इसलिए ये पूरे प्रॉब्लम से अपने लिए कोई भी काम नहीं करेंगे दोस्तों, याद रख लो, अपने लिए कोई भी काम नहीं करेगा, अपने लिए अपन इस काम करना है। कुरान में भी एक आयत है, जब तक तुम ये कदम भी एक अच्छा एक इंसाफ के लिए एक कौम के लिए आप ये कदम भी अल्लाह भी नाराज है, ये कदम डाले तो मैं 100 कदम आपको आगे ले जाता हूं, बल्कि अल्लाह भी कुरान में एक आदत है एक आयत है, आप एक कदम डालो 100 कदम अल्लाह आपको आगे लेके जाता, आप ये कदम भी नहीं डाले तो अल्लाह भी नाराज हो जाता। काम करने वाला से अल्लाह खुश होता, कुछ करने वाला कुछ अल्लाह खुश होता, कुछ हरकत करे तो बरकत रहता, इसलिए हरकत करने वालों से जो अल्लाह बरकत देता, लेकिन कुछ भी नहीं करने वालों से अल्लाह कभी भी खुश नहीं रहता। अपन के लिए कोई भी आके काम नहीं करते, अपन को सब वोट बैंक जैसा इस्तेमाल करते, अपन को जज्बात में लाके उचका के जज्बात में लाके जोश में लाके उनका काम लेके अपने को सड़क पे छोड़ के चले आते, लेकिन कोई भी अपने वाले सोचने वाला कोई भी नहीं है। अपने वाला अपन के लिए अपन ही सोचना है, अपना काम अपन ही करना है। ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों से ये काम हो सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा 100 के बराबर है। मुसलमान ज्यादा नहीं जुड़े तो भी एक मुसलमान दिल पे
अगर लाले के काम कराना सौ के बराबर काम करता, याद रख लो एक मुसलमान सौ के बराबर काम करता, इसलिए अपने कम्युनिटी से बहुत डर है। अपन आगे नहीं आना, सियासत नहीं करना, जरूर सियासत करना है, सियासत के बारे में जानना है, अपना हिस्सा अपन मांगना है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, ये पैगाम डिस्ट्रिक्ट का भी पब्लिक कितने है ना, सोचो जो तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद चला, केस यासाबाद मुख्य सीएम बने, वजीर आला बने, उन्होंने भी पहले निकले स्टेप पे सवाद में अभी नहीं थे, लेकिन आज उनकी कामयाब हो गए। अपन का भी, अपन जो सच्चे कामयाब लेके चल रहे ना, अपन भी जरूर कामयाब होते। अब पढ़े लिखे बच्चों को एडुकेट करना है और उसके साथ साथ सबको एडुकेट करके अपन आगे लेके चलना है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, बहुत दूर से आप डिस्ट्रिक्टों से बहुत मेहनत लेके इतनी दूर आए, आप सबको हम लोग शुक्रिया अदा करते हुए। आम आदमी पार्टी तेलंगाना स्टेट कन्वीनर डॉक्टर सुधाकर साहब को मैं स्टेज पे, सीपीएम से हमारे अब्बास भाई, आवास कमेटी तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट सीपीएम से अब्बास भाई को मैं स्टेज पे इस्तेफाल कर रहा हूँ। गफार भाई आप भी स्टेज पे।